ये देखिए, ये दो बच्चियां हैं। दिल्ली सरकार का एक स्कूल है, सर्वोदया कन्या विद्यालय, ई ब्लॉक नंदनगरी। इन बच्चों को विद्यालय में, विद्यालय की एक टीचर है होम साइंस की, उनका नाम है इंदिरा रानी मैडम, उसके द्वारा किस प्रकार बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, इन्हीं की जुबानी सुनिए। हमारी होम साइंस के टीचर है इंदिरा रानी मैम, वो मेरे को मेंटली टॉर्चर करती है और ये कहते हैं कि मेरे साथ बहुत भेदभाव करते हैं। मेरे को अपने पास बुला के कम से कम 20-25 मिनट तक अपने सुनाती हैं बहुत ज्यादा, और मेरे को बहुत गंदा गंदा, मेरे को मारती भी है और मेरे को बहुत गंदा गंदा बोलती है। क्या बोलती है? कहती है कि बोलो बोलो क्या कहती है, डरो मत। एसएमसी मेंबर की लड़की हो तुम, तुम्हारे माँ बाप से तो प्रिंसिपल भी परेशान है, और ये और मेरी कॉपी लेके और मेरे साथ काफी बच्चों का काम इनकम्प्लीट है, लेकिन मेरी कॉपी देखती है वो और किसी बच्चे की कॉपी चेक नहीं करती, और क्लास में आती है मोबाइल में लग जाती है और मॉनिटर से कहती है कि काम करा देती है। और क्या बोलती है? और हमें बुक में निशान लगवा देती है लास्ट टाइम पे, और मेरे को यू कहेगी कि 20-25 मिनट पहले सुना के फिर यू कहती है कि तुम्हारी वजह से सारा टाइम चलेगा मेरा। अच्छा, और भी कुछ बोलती है? और मैं बहुत परेशान रहती हूँ उन टीचर से, इसलिए उन टीचर को कुछ बोली। क्या बोलती है बेटे? मैम कहते हैं, क्या कहते हैं कि टीचर तो मैं बहुत परेशान हूँ और पूरी क्लास से कभी भी चेक नहीं करती, इसको इसके पीछे पड़े रहते हैं। हमारे मम्मी पापा को कहते हैं, क्या कहते हैं कि इनसे तो प्रिंसिपल भी बहुत परेशान है। इनसे किन से? आपके आपसे? हमारे मम्मी पापा से। अच्छा, आपके मम्मी पापा से? हाँ। प्रिंसिपल भी परेशान है? हाँ। अच्छा, ऐसा बोलती है? हाँ। अच्छा, और क्या बोलती है? भेदभाव करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। और अच्छा, मतलब ये बोलती है कि नाम कटवा के घर बैठो। हाँ। क्या बोलती है? बस तुम्हारे बस की पढ़ना नहीं है, बस की पढ़ना नहीं है तो तुम नाम कटवा के घर पे बैठ जाओ। अच्छा, और मैम कुछ नहीं पढ़ाती, और जब मैं कुछ पूछती हूँ और जब मैं कुछ पूछती हूँ तब वो बताती नहीं है मेरे को कुछ भी। तुम्हारी क्लास में किसी की कॉपी चेक होती है या नहीं होती? जो बच्चा करा ले वो करा ले, लेकिन ये हमारी कॉपी है, आज तक हमारी कॉपी चेक नहीं हुई, हमने इतना काम कर लिया। जब मैंने दिखाओ, इधर इधर दिखाओ कैमरे के आगे, जब मैंने ये देखिए एक भी कॉपी का पन्ना चेक नहीं है। जब मैंने और बच्चों को बिना बात के टॉर्चर किया जाता है, ये देखिए दोनों बच्चों की कॉपी कहीं से भी एक भी पन्ना चेक नहीं है दोनों कॉपियों का। और जब मैंने चेक कराने के लिए दी तो मैम, जब मैंने चेक कराने के लिए दी तो यू कह रही तुम्हारी बहुत गंदी राइटिंग है, इसे फिर से करो, और यू कह रही तुम्हारी बहुत गलतियां हैं, और कल कह रही तुम्हारा काम इनकम्प्लीट है। अच्छा, एक और कॉपी होगी उधर। और यू कहती है कि तुम, मैं तुम्हारा नाम कटवा दूंगी स्कूल से, और ये मेरी एक फ्रेंड की कॉपी है, उसने अच्छा। उसका पूरा काम पूरा है, उसे भी कहती है कि तुम नाम कटवा के घर पे बैठो, उसे कहती है नाम कटवा के घर पे बैठो तब तुम्हारे। ये देखिए ये कॉपी 5/5/2019 से एक भी पेज इस कॉपी का जो है चेक नहीं हुआ है, ये देखिए, ये देखिए सारे पन्ने पलट पलट के हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए एक भी कॉपी का पेज इसका चेक नहीं है। क्या सिर्फ टीचर्स बच्चों को टॉर्चर करने के लिए ही स्कूल जाती हैं? क्या ये फ्री की सैलरी लेने स्कूल जाती हैं? ये देखिए 22/6 का एक काम, 5/5 के बाद हफ्ते में, महीने में सिर्फ एक बार स्कूल क्लास में जाके काम दे देती हैं, पहले 5 मई में, दूसरा 22 जून में, उसके बाद कोई काम नहीं दिया, और काम भी दिया है तो कॉपी चेक नहीं है, और बिना वजह के बच्चों को डांटना। छठी क्लास के बच्चे के लिए ये देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं,
22 जून के बाद सीधा 9 सितंबर को काम दिया गया है, उसके बीच में कोई काम नहीं दिया गया। और ये देखिए क्वेश्चन आंसर्स भी छठी क्लास के बच्चे के लिए कितने बड़े बड़े लिखवा रखे हैं, ये देखिए ये होम साइंस वाली मैडम है श्रीमती इंदिरा रानी मैडम। ये बहुत स्कूल में अपनी मनमानी चलाती हैं, हमें पता भी चला है कि ये इन्होंने कहा है बच्चों से कि एसएमसी के बच्चों को सुधारने का ठेका मैंने ले रखा है और एसएमसी के बच्चों को मैं सुधारूंगी। ये बच्चे एसएमसी के हैं। बेटा आपका कोई, आप दोनों में से किसी का कोई मम्मी या पापा एसएमसी मेंबर है? मेरी मम्मी एसएमसी मेंबर है। अच्छा, तो जो एसएमसी के बच्चे उन्हें टॉर्चर करा जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, एसएमसी के बच्चों को ही टॉर्चर किया जाता है। हाँ, क्या आपकी मम्मी ने बोला नहीं उनको? मेरी मम्मी ने बोला था लेकिन वो मानती नहीं है प्रिंसिपल, और वो मानता नहीं कि तुमने तो हवा सा बना रखा है। अच्छा, किसका हवा बना रखा है? अपना खुद हवा बना रखा है। कहती है कि तुमने तो हवा बना रखा है मेरे। हाँ बेटे, जब जब इंदिरा नाम का पीरियड होता है, 3 दिन का पीरियड होता है लास्ट के, और जब जब मेरे को डर लगता है मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ मम्मी मेरे को स्कूल नहीं जाना, मैम मेरे को बहुत मेंटली टॉर्चर करती है। तो आप स्कूल नहीं जाओगे तो फिर पढ़ोगे कैसे? आप मैडम के बारे में बोलो किसी को, मम्मी को बताया नहीं आपने? बताया था, मम्मी ने भी बोला था लेकिन वो मानती नहीं। अच्छा, आपकी मम्मी बोल के आ चुकी है? हाँ। वो तब भी नहीं मानती? मम्मी ने ये भी कहा था कि मतलब पढ़ाई के ऊपर इसको मारो पीटो कुछ करो, लेकिन हमने जब मम्मी को बताया मम्मी कह रही कि मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि उसे मेंटली टॉर्चर करो। अच्छा, हाँ बेटे आप क्या कह रहे हो? प्रिंसिपल मैम के लिए क्या कहता है कि मुसलमान बच्चों और हिंदू बच्चों की अलग क्लास लगाऊंगी, अलग बिठाऊंगी। अच्छा, मुस्लिम बात भी होता है स्कूल में? हाँ। बोलती है प्रिंसिपल मैम? हाँ। ये देखिए इस स्कूल में प्रिंसिपल मैम मुस्लिम बात भी करती हैं। बोला जाता है कि मुस्लिम छात्राओं को अलग बिठाया जाएगा और हिंदू छात्राओं को अलग बिठाया जाएगा। ये क्या, ये सर्वोदय कन्या विद्यालय ई ब्लॉक नंदनगरी के बच्चे हैं, क्या ऐसा करना इन बच्चों के साथ उचित है या सरकार ने इन्हें छूट दे रखी है? किस चीज की तनख्वाह लेते हैं स्कूल में? जातिवाद फैलाने के लिए, धर्म निरपेक्षता करने के लिए किस चीज की तनख्वाह लेते हैं, या ये दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश है? सुनने में आया है कि एसएमसी मेंबर, एसएमसी के जो सदस्य हैं ई ब्लॉक सर्वोदय कन्या विद्यालय ई ब्लॉक के, उनको भी ऐसा बोला गया है कि प्रिंसिपल द्वारा कि मैं नहीं चाहती कि विद्यालय में एक भी मुस्लिम छात्र दाखिला ले, मेरा बस चले तो एक भी मुस्लिम छात्र को दाखिला ना लेने दूं।